आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दद दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम मोहम्मद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाही ताला अलैह आप दे कोल लोग आ गए टाइम लैण वास्ते। टाइम मुकर्रर हो गया, फलाने दिन आपने तकरीर करनी है, फलाने दिन आपने हिताब करना है, फलाने दिन आपने हिताब करना है। तो जो आला हजरत दे कोल आए ना, टाइम मुकर्रर हो गया, जेडे दिन जाना सी उदू ए सवारियां नहीं सन होंदियां, उदू पालकियां होंदियां सन। पालकियां दे विच चुक के बंदे नूं लैके जाईदा सी, पालकी दे विच चुकिया होया ए चार बंदियां ने आला हजरत नूं। तवज्जो नाल गुफ्तगू सुनिया जो मैं कह रहा वा, पालकी दे विच आला हजरत नूं चुकिया होया ते आला हजरत इताब जी थोड़ा जिहा अगे गए ते आला हजरत ने फरमाया मेरी पालकी नूं थल्ले रख छड्डो, मेरी पालकी नूं थल्ले रखो। उन्हें आख्या हजूर वजह की है? ते मेरे आला हजरत ना उन्हें सारे नूं मुहातब करके फरमान लगे तुहाडे चो को सैयद है वे, फरमाया तुहाडे चो को सैयद है वे। एक फट्टे पुराने लिबास वाला बोलिया, मजदूर बंदा सी, उन्हें आख्या सरकार मैं सैयद हाँ। आला हजरत ने फरमाया शाह जी की कीता जे अगर क्यामत वाले दिन तुहाडे वड्डियां ने पुछ लिया ते असीं उन्हां नूं की जवाब दियां दे? ते आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दद दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम मोहम्मद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाही ताला अलैह आपने ओ शाह जी इन्हां नूं ए नहीं आखिया कि शाह जी तुसीं वापस चले जाओ, नहीं नहीं, आला हजरत ने फरमाया शाह जी हुण तुसां इंज करना है, ये जिहड़ी पालकी मेरे वास्ते आई सी ना इस पालकी दे विच तुसां बहना है ते कंधा अहमद रज़ा ने देना है। अहमद रज़ा ओ महफल च तुहानूं लैके जाएगा, क्यामत तक उहनां नूं दसणा चाहुंदा वां नबी दी आल कल भी आला सी।